Welcome to the physics class. Based on dimensional analysis, we are now doing the fourth method of numericals, that is based on conversion of one system of units to another. As we have already studied the system of units, that is CGS, MKS, FPS and SI system. So if the values are given in one system of unit and you have to convert in another system of unit dimensionally, how can you convert into another system of unit? This we are going to study today. Okay. So first of all, you should know about the two terms, that is force and energy. Force ki SI unit hoti hai Newton. Force ka SI unit kya hai? Newton. और फोर्स की सीजीएस यूनिट होती है डाइन. ऐसा यूनिट है न्यूटन और सीजीएस यूनिट है डाइन. ओके, ऐसे ही एनर्जी की ऐसा यूनिट होती है जूल और सीजीएस यूनिट होती है अर्ग्स या अर्ग. फोर्स की ऐसा यूनिट है न्यूटन और सीजीएस डाइन. एनर्जी की ऐसा यूनिट है जूल और सीजीएस होती है अर्ग. सो इट विल हेल्प यू टू solve the numericals of upcoming topic. Okay, so how it can be converted? For this you have to use a formula. What it will be? Formula will be n2 equals n1 m1 by m2 ki power a, l1 by l2 ki power b and t1 by t2 ki power सी. m1 by m2 की पावर a, l1 by l2 की पावर b एंड t1 by t2 की पावर c. सो व्हाट इट विल बी, ये फॉर्मूला का मीनिंग क्या है, इसमें सिंबल्स का मीनिंग क्या है, समझ लीजिए. सपोज कीजिए कि आपको दिया गया 1 meter इज हाउ मच इक्वल टू सेंटीमीटर. एज वी नो द 100 सेंटीमीटर आर देयर, 1 meter हैविंग द 100 सेंटीमीटर. बट हाउ कैन इट कैन बी कैलकुलेटेड डायमेंशनली. ये डायमेंशनली ही कैलकुलेट करके बताया गया कि 1 meter 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, जो आपको पता है. ये कैसे कैलकुलेट किया गया ये हमने चेक करना है. सो व्हाट इज दिस? मीटर इज द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ. इट मीन्स यू आर गिवन विद एसआई यूनिट एंड यू हैव टू कन्वर्ट इट इन सीजीएस यूनिट. एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट को सीजीएस यूनिट में आपने क्या करना है, कन्वर्ट करना है. एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट को सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट में क्या करना है आपको, कन्वर्ट. सो हाउ यू कैन डू दिस नाउ? सो व्हाट आर गिवन इन द फर्स्ट सिस्टम? दिस इज द फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट एंड दिस इज द सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट इन विच यू हैव टू कन्वर्ट इट. सो फर्स्ट सिस्टम आपको दिया क्या गया था, 1 meter. 1 इज न्यूमेरिकल वैल्यू, दैट इज n1. n1 मीन्स न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फर्स्ट सिस्टम. जिस सिस्टम में आपको वैल्यू दी गई है वो फर्स्ट सिस्टम होता है, जिसमें आपको कन्वर्ट करना है वो सेकंड होता है. फर्स्ट सिस्टम में जो आपको वैल्यू दी गई है दैट इज इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू. सो न्यूमेरिकल वैल्यू इज n1 हियर. सो व्हाट इज दिस? दिस इज यूनिट गिवन, दिस इज कॉल्ड यूनिट इन एसआई सिस्टम. अगर यूनिट है तो इट मीन डायमेंशन भी है. उसी टर्म का यूनिट होता है जिसका डायमेंशन होता है. जो डायमेंशन लेस क्वांटिटी है उसका यूनिट भी नहीं होता. ओके, इट मीन्स अगर इसका यूनिट है तो इसका मतलब इट इज हैविंग अ डायमेंशन. इसके डायमेंशन में जो m1 होगा, l1 होगा और t1 होगा. m1, l1, t1 ये फर्स्ट सिस्टम के डायमेंशन होते हैं. अब आ जाइए यहाँ पे, यहाँ हमने कैलकुलेट करना है. क्या कैलकुलेट करना है? सेकेंड सिस्टम की न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट करनी है हमने, कि सेकेंड सिस्टम में 1 meter की कितनी वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू. इट मीन्स वट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड n2. n2 इज न्यूमेरिकल वैल्यू इन सेकेंड सिस्टम. N2 is numerical value in second system. And what is M2, L2 and T2? That is dimensions in second system. Dimensions in second system. And what is ABC? We will discuss it in the giving example. So these are the meanings of the symbol here. So now we are taking the example. Convert 10 joules into ergs. क्या दे रखा हमें? Convert 10 joules. It means हमें given क्या? Given is 10 joules.
सो ये फर्स्ट सिस्टम हुआ, जो गिवन होता है वो फर्स्ट सिस्टम, जिसमें कन्वर्ट होता है वो सेकंड इनटू अर्ग्स। हमने इसको अर्ग में कन्वर्ट करना है कि 10 जूल में कितने अर्ग्स होते हैं ये हमने कैलकुलेट करना है, 10 जूल में कितने अर्ग्स होंगे ये हमने कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास क्या क्या है, दिस इज द न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू 1 एन 1 एंड व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, वी हैव टू कैलकुलेट एन 2। एन 1 हमने कैलकुलेट करना है, एन 2 जूल एसआई यूनिट होती है, अर्ग सीजीएस यूनिट होती है, जूल एसआई एंड अर्ग इज सीजीएस यूनिट ऑफ एनर्जी एंड ऑल्सो वर्क, वर्क या एनर्जी दोनों का ही होता है, वर्क और एनर्जी का डायमेंशन भी सेम ही होते हैं इसलिए उनकी यूनिट भी सेम ही है। सो एन 1 हमें पता है, एन 2 हमें पता है, एन 2 में कैलकुलेट करना है, एन 1 मिल गया। अब बात आती है एम 1 एल 1 टी 1, एम 1 एल 1 टी 1 आर द डायमेंशंस ऑफ द गिवन टर्म इन द फर्स्ट सिस्टम। जूल एसआई यूनिट है, मींस एसआई सिस्टम हमें दिया हुआ है, एसआई सिस्टम में हम मास लेते हैं किलोग्राम में, लेंथ लेते हैं मीटर में और टाइम लेते हैं सेकंड्स में। सो एसआई सिस्टम अगर आपको दिया हुआ है तो इट मींस एम 1 लेना है आपने एसआई सिस्टम में, मास होता है एसआई सिस्टम में 1 किलोग्राम, किलोग्राम इट मींस, और लेंथ होती है मीटर में, टाइम होता है सेकंड्स में। ये कैसे पता चलता है, ध्यान से देखिए, हमें 10 जूल गिवन था, क्या गिवन था, 10 जूल, तो 10 जूल गिवन था, जूल एनर्जी या वर्क यूनिट होती है और एसआई यूनिट होती है, इट मींस एसआई सिस्टम आपको गिवन है, तो एसआई सिस्टम में मास की यूनिट किलोग्राम होती है, लेंथ की मीटर होती है और टाइम की सेकंड होती है, हम पहले ही पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। सो हमने मास के लिए ली किलोग्राम, लेंथ के लिए ली मीटर, टाइम के लिए ली 1 सेकंड, वी विल टेक इट एज 1। ओके, नाउ एम 2 एल 2 टी 2 हमने कैलकुलेट करना है, एम 2 एल 2 टी 2 किस सिस्टम में हमने कन्वर्ट करना है, अर्ग, अर्ग सीजीएस यूनिट होती है, अर्ग कौन सी यूनिट होती है, सीजीएस। तो अगर सीजीएस में हमने कन्वर्ट करना है, सीजीएस में मास हम लेते हैं ग्राम में, अगर आपको ध्यान हो तो 1 ग्राम, लेंथ लेते हैं 1 सेंटीमीटर और टाइम लेते हैं 1 सेकंड। सो एम 2 एल 2 टी 2 हमने सीजीएस सिस्टम में ले लिया, सीजीएस का मतलब क्या होता था, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, तो मास उसमें था ग्राम में, लेंथ ये सेंटीमीटर में, टाइम था सेकंड में, तो M1 L1 T1 और M2 L2 T2 हमारे पास आ गया। तो अब हम फॉर्मूला यूज करेंगे, N2 हमने कैलकुलेट ही करना है, N1, अब पहले एक बात रह गई, व्हाट इज ABC, ABC का वैल्यू कहाँ से आएगा, हमें जूल दिया हुआ, जूल एनर्जी या वर्क डन की ऐसे यूनिट होती है, इट मीन्स टर्म कौन सी दी है, एनर्जी, और एनर्जी या वर्क डन का जो डायमेंशन होता है That is M1 L2 T-minus 2. Work done का dimension होता है M1 L2 T-minus 2. So M1 L2 T-minus 2. M की जो power 1 है वो बनेगा A. क्या करना है, आपने जो term दे रखी है वो देखो भी, physical quantity क्या है, जूल, जूल होता है energy या work की unit. Okay? So energy और work की है, तो energy और work का dimension formula लिख लो, उनकी जो MLT की पावर है वो ABC बनेंगे। सो A इज एयर 1, B इज एयर 2 एंड C इज एयर माइनस 2। क्लियर, नाउ पुटिंग द वैल्यूज, N2 इज N1 गिवन है, N1 हो गया 10, दिस इज 10, M1 इज 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम बाय में M2 1 ग्राम, पावर A, A की वैल्यू 1 है, L1 बाय L2, L1 दैट इज 1 मीटर, L2 मतलब 1 सेंटीमीटर, पावर B 2 है, और टाइम 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड, पावर C दैट इज माइनस 2। अब हमने क्या करना है, किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है, हमारा यही सिस्टम है ना कि हमने SI को CGS में कन्वर्ट करना है, तो SI जो वैल्यू है उसको CGS में कन्वर्ट कर दो, CGS में आ जाना चाहिए, यहाँ ये कर दी, CGS में कब आएगा, जब ग्राम में आएगा, 1 किलोग्राम एज वी नो 1000 ग्राम्स, 1 किलोग्राम इज 1000 ग्राम, ओके, सो 1 किलोग्राम को 1000 ग्राम लिख दिया बाय 1 ग्राम पावर 1। हमने ग्राम को किलोग्राम क्यों नहीं बनाया, क्योंकि हमने एसआई को सीजीएस में कन्वर्ट करना है, अगर ग्राम को किलोग्राम बना देंगे तो वो तो सीजीएस एसआई में कन्वर्ट हो जाएगा, हमने एसआई को सीजीएस में कन्वर्ट करना है, तो एसआई खत्म करके सीजीएस बनाना है, ऊपर नीचे, नीचे तो सीजीएस सिस्टम में ग्राम था ही, ऊपर भी ग्राम ही बनाना है, 1 मीटर का 100 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर पावर 2, यहां 1 सेकंड ही है, यहां कोई इशू है ही नहीं, तो कट कर दो, ग्राम से ग्राम क्या था, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, सेकंड से सेकंड, सो 10 ये पावर बचा अंदर 1000 बचा, इट विल रिटन एज 10 पावर 3 पावर 1 ही है, सो 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर मींस
10,000 it means 10 to power 4, okay? So ये 1 का minus 2 ये 1 ही रहेगा. So what it will become now? 10 to power 1 era, 3 era or 4 era? 4 or 3 is 7 or 1? 8? 4 बना था यहाँ पे. So now it becomes 4 and 3 7 1 8. 10 to power 8 arc. तो n2 की वैल्यू कितनी आई? 10 to power 8 arc. यहाँ हमने क्या किया था? 10 जूल is equal to 10 to power 8 arc. n2 की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली. तो हमारा कन्वर्जन हो गया, 10 जूल को अर्ग में कन्वर्ट किया. 10 जूल इज इक्वल टू 10 टू 8 अर्ग्स. 10 जूल इक्वल्स 10 टू पावर 8 अर्ग्स. सो दिस इज द मेथड टू सोल्व द न्यूमेरिकल बेस जोन सिस्टम कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स इनटू अनदर. सो हियर इज अनदर एग्जांपल बेस्ड ऑन द सेम मेथड. फाइंड द वैल्यू ऑफ पावर 100 वॉट. It means what we are given with 100 watt power हमें given है. तो ये first system हो गया. This is the value of N1. तो N1 हो गया 100. Okay? What is the SI unit of power? What is the SI unit of power? So SI system हमें given है. तो SI system अगर हमें given है, तो M1 क्या हुआ? 1 kilogram. L1 क्या हुआ? 1 meter. और T1 हुआ 1 second. Now in a system based on जिस सिस्टम में आपने कन्वर्ट करना है, तो N2 हमने कैलकुलेट करना है बेस्ड ऑन वो जिस पे बेस्ड होगा, मीटर किलोग्राम और मिनट पे. मीटर मतलब लेंथ की यूनिट, उसमें मीटर होनी चाहिए. तो L2 भी आपको उसमें मीटर ही चाहिए होगा और मास उसमें किलोग्राम होना चाहिए. M2 फिर से मास 1 किलोग्राम होगा. पूछा गया आपसे, सिस्टम में आपको दिया गया टाइम मिनट में होना चाहिए. So T2 will be in 1 minute. मिनट में आपने इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा. So what it will be now? तो N2 हमने कैलकुलेट करना है एक नए सिस्टम में. तो दिया क्या हुआ? पावर दिया हुआ. पावर का डायमेंशन फॉर्मूला, पावर का डायमेंशन फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन टाइम. दैट इज वर्क डन अपॉन टाइम M1 L2 T-3. तो यहाँ पे A तो हुआ 1, B हुआ 2 और T हुआ -3. A हुआ 1, B हुआ 2 और T क्या हुआ -3. सो नाउ यूजिंग द फॉर्मूला N2 इक्वल्स N1. N1 इज 100. M1 इज 1 kg अपॉन 1 kg, क्योंकि सेकेंड सिस्टम भी अपने को 1 kg दिया हुआ. पावर A 1. नाउ L1 इज 1 meter. दिस इज ऑल्सो 1 meter. पावर B 2. नाउ T1 by T2. T1 is 1 second. ऐसा यूनिट सेकेंड होती है और हमने इसको मिनट में अब लेना है, वो दिया हुआ है हमें. दैट बिकम्स -3. सो हमने अब इसको मिनट में कन्वर्ट करना है. लास्ट वाले का हमें कट कर देना है ऐसे एमसी यूनिट बना के. तो अब हम क्या करेंगे, N2 इक्वल दिस किलोग्राम से किलोग्राम, मीटर से मीटर. किस में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है हमें, तो किलोग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए कहा गया आपको. सो यहाँ सेकेंड मिनट में है, तो आपको कट करनी हो तो यूनिट आप जिसमें मर्जी बना लो. वैसे आपको दिया हुआ मिनट पे बनाना है, तो आप मिनट बना लीजिए उसको. तो ये 1 second के आप मिनट बना लोगे. यहाँ बन जाएगा 1 की पावर 1, यहाँ बन जाएगा 1 की पावर 2. 1 second के मिनट क्या बनेंगे? 1/60 minutes. 1/60 minutes as 1 minute is equal to 60 seconds. So नीचे 1 minute. जिसमें कन्वर्ट करना हो उसको मिनट में करना, तो सेकेंड को मिनट में कन्वर्ट कर लीजिए. मिनट से मिनट हुआ कैंसिल. So what it will be now, N2 is equal to 100 का मतलब 10 to power 2 ही है. So ये बन गया 1/60 की पावर, नीचे -3. 1/60 की पावर क्या है? -3. तो ये हो जाएगा 10 to power 2, 60 पर -3 नीचे, तो 60 power 3 ऊपर आ जाएगा. -3 नीचे था तो ऊपर 60 बन गया. 60 power 3 का मतलब 60 into 60 into 60, 3 times. So N2 will be 216 into 10 to power 5. हम इसके यूनिट्स लिखेंगे अब, क्योंकि नया सिस्टम हम लिख नहीं सकते मीटर किलोग्राम मिनट में. सो इट विल बी रिटन एज यूनिट. सो 100 वॉट पावर नए सिस्टम में 216 इंटू 10 टू 5 यूनिट्स के बराबर होगा. तो एक वैल्यू हमने एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया.
So this is the four type of numerical based method. So another worksheet will be given to you and you have to solve the numericals in your notebook and send the pics to my WhatsApp wall so that I can check that how much good enough you are now in to solve the numericals of dimensions. Okay, hoping for positive response from every student. So thanks and have a nice day.